सारा खान के बाद इस पॉपुलर टीवी एक्टर का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आया पॉजिटिव। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने से घबरा गई थी इस टीवी एक्टर की वाइफ। अपनी रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ बताया इस टीवी एक्टर ने, आइए जानते हैं। रामसिया के लव खुश में नजर आए एक्टर हिमांशु सोनी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन उन्हें ये संक्रमण कुछ दिन पहले हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन के लिए कोरोना टेस्ट करवाया है। हिमांशु सोनी की रिपोर्ट 28 अगस्त को आई थी। इस बारे में हिमांशु ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 3 दिन तक मुझे कोल्ड और बुखार रहा था, जिसके बाद मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया था और वो पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने कहा कि चिंता मत करो, मैं ना तो कुछ सूंघ पा रहा था और ना ही कुछ स्वाद आ रहा था। ये कोरोना के शुरुआती लक्षण है, इसलिए मैंने 27 अगस्त को जांच करवाई और 28 अगस्त को रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ। मेरी वाइफ शीतल तो काफी डर गई थी, शुक्र है कि अब सब कंट्रोल में है और अब मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवाऊंगा, जिससे पता चल जाएगा कि अब मैं कोविड-19 नेगेटिव हूँ या नहीं। आपको बता दें कि अगस्त के पहले हफ्ते में हिमांशु सोनी की वाइफ को भी कोरोना का संक्रमण हो गया था। अपनी वाइफ की हालत को देख हिमांशु पूरी रात परेशान थे और रो भी रहे थे। इस बारे में बात करते हुए हिमांशु ने कहा था, मैं केवल डॉक्टरों पर भरोसा कर सकता था और वो कह रहे थे कि वो बहुत गंभीर है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे लगा कि उनके पास जरूरी सुविधाओं की कमी है और उनके पास किसी को बचाने के लिए दवाइयां नहीं है, वो केवल हल्के लक्षणों वाले रोगियों को संभाल सकते हैं। वे महत्वपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता था। मैं पूरी रात रो रहा था, लेकिन मुझे मजबूत भी होना पड़ा क्योंकि मुझे निर्णय लेना था। मुझे लगता है कि प्रार्थना और ध्यान ने उसकी मदद की। आपको बता दें कि अब उनकी वाइफ पूरी तरह से ठीक है। वही बीते कुछ दिनों में इस महामारी ने कई टीवी सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें प्रोड्यूसर संजय कोहली से लेकर एक्ट्रेस मलाइका अरोरा तक शामिल है। तो व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।